तो ये एक मेरी तरफ से एक पहल है जहाँ पे लोग अपने चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये जो एक्चुअली डेंजरस होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक वैसे भी बैन हो चुका ऑलमोस्ट, और ये जो प्लास्टिक है इसको हम वापस से कुछ फॉर्म नहीं दे सकते, एटलीस्ट हम लोग जैसा है वैसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेलिब्रेशन हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो। तो लास्ट नाइट बहुत मस्ती की थी हम लोगों ने, और स्पेशली बच्चों ने इतना ज़्यादा मस्ती की है, देख के तो ऐसा लग रहा था अलाइव फील हो रहा था कि, और बचपन की वो सारी बातें याद आ रही थी कि सबसे अच्छी बात यही है ना कि हम लोग घर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। घर पे सेलिब्रेट करने से क्या होता है ना, बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं और जहाँ चाहे वहाँ घूमा, बाहर गए, अब बाकी उनको फ्रीडम भी हम लोगों ने बहुत दिया था कि सारे बच्चे जो हैं उनका एक ग्रुप बन गया था, वो अपना घूम भी रहे थे। आपने देखा भी होगा जैसे वो कल वो पिज्ज़ा कितने अच्छे से खा रहे थे ना, कि मेरा भी मन हो गया मैं भी चाहूँ बगल में बैठूँ। तो सबको देखने के बाद मैं भी जाके बाहर बैठ गया कि कैसे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो मज़ा आया। और इन सब के बीच में एक जो वॉल है ना, वो बहुत हम लोग का फेवरेट है, अभी फेवरेट बन गया है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये बहुत पहले से मैंने सोचा था कि इसको मैं वॉल पे लगाऊंगा मैं, लेकिन दिव्या ने बोला था कि इस बार इस बर्थडे पे होना ही चाहिए, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मेमोरीज है ना, ये अभी इसको हम एक्सपेंड करने वाले हैं, और जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, मम्मी पापा दीदी आई सबके, चाचू मामा सबके, जितने भी लोग हैं सबके हम लोग यूनिक फोटोज़ हैं ना, वो सब हम लगाने वाले हैं और वो बहुत ही मज़ा आएगा। और जो भी बहुत पुराने हैं, और हर एक पिक्चर के साथ ना एक स्टोरी जुड़ी होती है, तो कुछ कुछ जो पिक्चर्स हम लगाएंगे ना उसकी स्टोरी भी बताएंगे हम कि कैसे कैसे किया था हम लोगों ने। और इन सब के बीच में जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है ना, तो उसका जो अगला दिन होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है। वैसे तो सुबह सुबह दिव्या ने पूरा क्लीन कर दिया है सुबह उठ के, और रात में भी क्लीन कर दिया था कि मैं जब अगर शूट करूं या फिर मैं जब क्योंकि मैं एवरी मॉर्निंग में उठ के मैं ड्राइंग करता ही हूं, या फिर एक दिन दो दिन स्किप हो जाता है, तो मुझे एक क्लीन बैकग्राउंड मिले और फिर जो आसपास की जो भी चीज़ें हैं ना वो साफ़ हों। तो अब मैं सोच रहा हूं कि जो अभी पीछे आप देख रहे हो कि ये जो सेट है पूरा का पूरा उठ के अभी आने वाला है यहाँ पर वापस यहाँ पर, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें चेंज करूँगा, जैसे कि लोकेशन तो चेंज नहीं होगा, सारे सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ना मुझे प्लांट रख के बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये जो प्लांट है ना, और इस साइड में, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं प्लांट रखता हूँ टीवी यूनिट पे ना, तो छुप जाता है, लेकिन मुझे उसको छुपाना नहीं है, उसको थोड़ा दिखना है, दिखना चाहिए। और वो दिखाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा मैं कैसे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मुझे खुद नहीं पता है जब तक मैं कंप्लीट कर नहीं लूँगा, क्योंकि कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करने के पहले पता नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट में कि वो बनेगा कैसे, अब फाइनल आउटपुट कैसा आएगा, लेकिन आता अच्छा है, होपफुली अच्छा आना चाहिए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बच्चों के उठने का, तो अभी देख लेते हैं। और मेरे साथ जो क्राइम पार्टनर मीन्स की जो जितनी भी हम लोगों ने सेट करने वाले हैं वो दिव्या करने वाली अभी मेरे साथ, तो देख लेते हैं जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट किधर है, इंटीरियर डिज़ाइनर, तो इंटीरियर डिज़ाइनर है यहाँ पे। और थोड़ा मॉर्निंग में जब छुट्टी का दिन होता है ना, सैटरडे संडे, तो दिव्या का होता है कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना सबसे बात कर लो, क्योंकि ऐसे
मैं तो कनेक्ट नहीं रह पाऊँ, लेकिन वो मेरे थ्रू अपने थ्रू मुझे कनेक्ट करके रखती। और दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं और इतनी अच्छे से सो रहे हैं ना, क्योंकि अभी क्या है ना कि इसके बाद अभी सबसे अच्छा मोमेंट आता है जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, स्पेशली जब बर्थडे होता है ना, तो जब भी आप सेलिब्रेट करते हो तो उसमें बच्चे का एक्सपेक्टेशंस रहता है कि गिफ्ट आएंगे, और गिफ्ट आएंगे तो बहुत सारे गिफ्ट आए हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हो, और बहुत सारे गिफ्ट तो रात को ही अनपैक कर लिए थे और कुछ कुछ रह गए थे, जिसमें से कुछ कुछ मैसेजेस भी थे बहुत अच्छे अच्छे और बहुत विशेज भी बहुत अच्छे थे। स्पेशली मुझे एक, ऐसे तो बहुत सारे हैं और सब भी बताऊँगा मैं आपको, लेकिन एक जो मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा वो संजना के साथ हमारी एक और भी फैमिली फ्रेंड है गीतिका, उनकी बेटी मायरा ने लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत टची लगा कि उनका जो कॉन्सेप्ट भी था ना, जैसे हमारे घर पे अभी मैंने बताया ना कि फैमिली फ्रेंड ही आने वाले थे, तो उसमें फैमिली ही आने वाली थी, फैमिली आई थी, तो उसमें से जो चार लड़कियाँ थी, चारों लड़कियाँ जो भी बच्चे आए ना, जितने भी बच्चे थे ना, सारे लड़कियाँ थे, उसमें से मायरा ने लिखा था। और कॉन्सेप्ट कैसे अच्छा है, क्योंकि उन्होंने ना कॉन्सेप्ट कैसे निकाला कि चार लड़कियां हैं और चारों नाम का जो प्रीफिक्स होता है ना वो कैरेक्टर वहां पे रखा था, और जैसे वो लिखा कि हैप्पी बर्थडे वेयर देयर इज अ गर्ल लाइक यू देयर इज अ मैजिक, वाह, टुगेदर यू ऑल कैन मेक आसमा, आसमा मीन्स आसमान, स्काई, आयरा का ए, संजना का एस, मायरा का एम और आव्या का ए, तो ये कंप्लीट मिलके एक आसमा बन रहा है, तो मतलब टच द स्काई, स्काई हैज नो लिमिट, मुझे ऐसे लगता है कि गर्ल्स के लिए। और एक और उसके पीछे ही है, इसके पीछे एक और है, एक्चुअली मैंने जब ये स्लिप देखा था तो मुझे ऐसे कुछ लगा था कि हाँ किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन उसका अभी क्या है ना कि कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो आप उतना भीड़ भाड़ में रहते हो, तो मैंने सोचा था कि एक ब्लॉग बनाऊंगा उसमें मैं ही उसको मेंशन करूंगा, जैसे कि तो ये जो मैसेज है एक पार्ट मैंने आपको सुना है, जबकि इसके तीन पार्ट हैं। सेकेंड पार्ट है, डियर लिटिल आयरा, योर लाइफ इज अ मैसेज टू दिस वर्ल्ड, मेक श्योर इट इज इंस्पायरिंग, अ वेरी हैप्पी बर्थडे डॉटर, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये है कि गिव अ टाइट हग टू योर मासी अपराजिता, अपराजी मीन्स की अन्नादीप, संजना की मम्मी, सी कनेक्टेड यू विद अस, माय प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर बैग, ओम साई राम विद लव मायरा, तो बहुत ही क्यूट सा मैसेज था, मीनिंगफुल है और बहुत ही क्रिएटिवली बनाया गया है। तो ये कुछ मैसेज है जैसे मैं अपने आर्टवर्क बनाता हूँ, और इन सब के अलावा आज जब उठेंगे आयरा और आव्या तो उनके लिए कुछ आज स्पेशल होगा, स्पेशल बनाएंगे कुछ खाने के लिए, देखते हैं, और उनकी हेल्प से बनाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन उनकी क्या पसंद है ये मैं पूछने वाला हूँ। और इन सब के बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी सब क्लीन करना है, सारा कुछ क्लीन करना है, क्लीन तो है ऑलमोस्ट, बस प्लेसमेंट चेंज करना है, प्लेसमेंट देखता हूँ कि कैसे क्या चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा अलग होना चाहिए, फील अलग होना चाहिए, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ करने के लिए, फिर देखते हैं कि फाइनल आउटपुट कैसा आता है। क्या बात, मजा आ रहा है ना तुमको? ये कौन सा गेम है? ये जो लगाते हैं देखो, ये पजल्स, पजल्स है। क्या बात है, वेरी गुड, ये देखो, वेरी नाइस। अच्छा तुम्हारे पास ये है कि इसको ऐसे जैसे बनाना है ना, जैसे बनाना है, मैं भी खेलूं? हाँ तो मुझे बताओगे, तुम मुझे बताओगे, तुम क्यों अच्छा कर रही हो, सुबह सुबह उठ के अभी ब्रश भी नहीं किया और पजल बनाने लगी तुम। मैंने बोला था ना कि जैसे ही सुबह उठेंगे ना तो इनको एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा और अपने गेम्स की तरफ भागेंगे, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने अपने गेम्स बांट भी लिए हो गए अभी तक कि कौन कैसे खेलेगा। और ये कुछ गेम्स ऐसे हैं ना कि जिस पे पार्टिसिपेट हम, मैं भी और दिव्या भी करेंगे, तो कुछ जो रिंग वाला था ना, आव्या जो रिंग वाला था ना, वो हम लोग भी खेलेंगे साथ में, पार्टनरशिप में, मैं और आयरा और आव्या और दिव्या, तो ये पार्टनरशिप होगा हम लोग का।
आए रवि, तो देखते हैं कि कौन जीतता है, किसका पलड़ा भारी रहता है। अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 6:30 और यहाँ पे अभी देख रहे हो कि मेरा जो पूरा सेट है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मेरा जो ड्राइंग का है, और दो दिन से बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था मैं इसको, तो पूरा यहाँ पे लग चुका है। जैसे आप टीवी यूनिट देख रहे हैं, ये टीवी यूनिट यहाँ पे था जहाँ पे हम लोगों ने स्टेज बनाया था आयरा का, और यहाँ पे बलून हम लोगों ने अभी रहने दिया है। वैसे आज है कॉम्पिटिशन डे, कॉम्पिटिशन डे इसलिए कि जो भी गिफ्ट्स आए हैं ना, तो ये तो हमें ओपन करना ही है, इसके साथ साथ कुछ जो गेम्स हैं ना वो हम खेलने वाले हैं यहाँ पे, और गिफ्ट का एक्साइटमेंट तो रहता ही है बच्चों में। और आयरा और आव्या को वैसे भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो जिस दिन मिला उसी दिन शाम को उन लोगों ने रात को ओपन कर लिया बहुत सारे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी थे, मायरा भी थी और संजना भी थी, तो वहाँ पे जितना उन लोगों को दिखा उन लोगों ने वहाँ पे अपने गिफ्ट को शेयर किया, तो ये मज़ा आया। इसके साथ साथ कुछ मैसेजेस भी मैंने पढ़े हैं जो कि रिटर्न थे, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, क्रिएटिव थे, तो ये चीज़ें देख के मुझे अच्छी लगी। इसके साथ साथ अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन है, मैं क्रेडिट नहीं लूँगा इसका, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो पूरा सजाने का है वो मेरा डायरेक्शन था, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन दिव्या का भी उतना ही है, और जो हमारे यहाँ काम करने आती हैं तो उन्होंने सफाई किया, और इसके साथ साथ आव्या और आयरा का भी, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर वो लोग कुछ करते थे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इन लोगों ने इस बार कुछ नहीं किया और कुछ नहीं करके भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ टिप्स दूँ, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे कि एक्सपीरियंस तो वैसे भी अच्छा ही था, आयरा का बर्थडे है, बर्थडे था और सेलिब्रेट भी बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, 3 दिन सेलिब्रेट किया, तो इसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे जो एक्सपीरियंस मिले मुझे। ये जो बलून्स है ना हम लोग हमेशा ही लेके आते हैं, अब भी जब भी कोई बर्थडे होता है या कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो पीछे बैकग्राउंड में ये आते ही हैं। जैसे आयरा का देखो, अभी आयरा का लिखा हुआ कैरेक्टर्स हैं, तो जनरली हम लोग फेंक देते हैं या फिर आप इसको फोड़ के हटा देते हो, डिस्पोज कर देते हो कि चलो भाई इसका हो गया काम अब निकाल दो। तो मैंने सोचा कि इसको रीयूज कैसे करें, तो अभी जब भी हम ब्लो करते हैं ना तो इसमें एक स्ट्रॉ देते हैं, उसको आप ब्लो करना होता है तभी वो फैलता है, और ये एक बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है इसकी, बलून की तरह नहीं कि धीरे धीरे वो फट जाते हैं, या फिर मटेरियल इसका अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, इसको आखिर हम कैसे यूज़ में वापस ले सकते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा और कई सारे यूज़ किए, जैसे कि मेरा जो ब्रश है, पेंटिंग ब्रश होता है, उसको मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद वो ब्लो नहीं होता, फिर सोचा कि मैंने कि जिस तरीके से अंदर गया ना हवा, वो हवा भी वैसे ही आना चाहिए, तो फिर मैंने मेरे पास अब जो ब्लो किया था वो तो हम लोग फेंक ही देते, फिर यूज़ तो करते नहीं, तो फिर मेरी नज़र गई फ्रूटी पे, जो कि एक वो भी एक था जो खाने और पीने की चीज़ें थी उसमें फ्रूटी, तो फ्रूटी का जो स्ट्रॉ होता है ना वो मेरे हाथ लग गया कैसे भी और कहीं से भी। तो आप रेड कलर का जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ही ब्लो करने के लिए होता है, तो अब हम निकालेंगे ये भी उसी रास्ते से। तो एक दो को मैंने ट्राई कर लिया, इसके बाद सोचा कि मैं ट्राई करने के बाद आप लोगों से शेयर करूँगा, नहीं तो मेरा पॉपअप हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये मैंने अंदर इंसर्ट कर दिया, और इसके बाद देख रहे हो कि हवा निकल रही है धीरे धीरे, और इसको आप चाहोगे, और इसको क्रश नहीं करना है ज़्यादा, क्योंकि इसकी जो शाइन है ना वो फिर चली जाती है, इसको धीरे धीरे आप करके इसको आप निकाल दो, और अगर आप चाहोगे तो इसको सबसे अच्छे से राउंड करके, ये जो आप देख रहे हो राउंड शेप में ऐसे रोल करते हुए आप इसको हवा को निकाल सकते हैं धीरे धीरे, और ये, और जितना ज़्यादा इंसर्ट करोगे ना और जल्दी निकल जाएगा ये। और यहाँ पे मैंने इसको सर्कल में करके पूरी तरीके से निकल चुका। अब ये जो स्ट्रॉ है ना, कहते हैं ना कि यूज एंड थ्रो तो होता ही है, लेकिन कभी कभी ना ऐसी चीज़ों को बचा के रखना चाहिए, कहीं ना कहीं काम दे देते हैं, बहुत ऐसी जगह पे जो हमें पता नहीं होता है, और अपन साथ की क्रिएटिविटी लेवल ये है कि होनी चाहिए कि आपको उसको कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अब ये जो है अब वापस से यूज़ करने के लिए हो चुका है, जब भी बर्थडे हो या फिर आप शेयर भी कर सकते हो, इससे क्या होगा ना कि उतना मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक का ये रीयूज हो सकता है, ये अगर मैंने इसको फेंक दिया तो फिर इसको डिस्पोज करने में भी शायद वो वेस्ट में भी नहीं जा पाएगा, और लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज़ करके ना हम कम से कम जो हमेशा बार बार यूज़ करके उसको जो पैदावार को कम कर सकते हैं जिसमें प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करना होता है, इसको हम रख देंगे, अगर आसपास में भी कभी ज़रूरत पड़ता है ना तो जो भी हमारे पास कैरेक्टर है ना वो हम देर शेयर कर सकते हैं। तो ये एक मेरी तरफ से एक पहल है जहाँ पे लोग अपने चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये जो
एक्चुअली डेंजरस होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक वैसे भी बैन हो चुका ऑलमोस्ट, और ये जो प्लास्टिक है इसको हम वापस से कुछ फॉर्म नहीं दे सकते, एटलीस्ट हम लोग जैसा है वैसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी एक और मेरा एक सजेशन था, सजेशन ये है मेरे लिए है कि दिव्या जो है वो बैंक में है और मैनेजरल लेवल पे है और उसको नॉलेज बहुत अच्छी है, तो मैं चाहता था आप लोगों को जिनको नॉलेज कम है, जैसे मुझे बहुत जीरो है नॉलेज, मैं बताया था ना कि एक बैंक का चेक मैं दूसरे बैंक लेके गया था, इतनी हालत बुरी है मेरी, तो मैं तो उससे एडवाइस लेता ही हूँ मैं, और फिनेंशियल एडवाइज़र तो है ही हमारे स्केचबुक भाई अभिषेक की, तो उनसे कोई एडवाइस चाहिए आपको बैंक से रिलेटेड, जो आप बैंक नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं और बैंक का कुछ नॉलेज चाहिए, बहुत तरीके का नॉलेज होता है, मतलब वो तो मुझे होता क्या ना कि क्वेश्चन भी पूछने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, तो उतना भी मुझे नॉलेज नहीं है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछे कमेंट के थ्रू, मैं कोशिश करूँगा कि दिव्या से फिर एपिसोड के लास्ट में मैं उनसे पूछूंगा, आप लोगों का जो सोल्यूशन होगा वो भी मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं, अभी सब लोग अभी थक के सोए हुए हैं और मैं उठ के फ्रेश हो चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ कि जो भी अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज गेम्स का मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी टीम में आयरा है और दिव्या की टीम में आव्या, तो ये दोनों का टीम होने वाला है और देखते हैं कौन जीतता है, अगर दीदी जिया जी आते हैं तो फिर वो भी पार्टिसिपेशन हम लोग कर लेंगे, तो दीदी हमारे में और जिया जी चले जाएंगे दिव्या में, तो ये कुछ आज हमारा प्लान है आज करने का, तो देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होता है, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ज्ञान की बातें भी हो गई हैं, और अब होता है टाइम, और अच्छा लग रहा है रूम को देख के ना कि अभी थोड़ा खाली भी है और भरा हुआ भी लग रहा है, ये एरिया जो आप देख रहे हो वार्म एंड कूल, जैसे हम पेंटिंग में कहते हैं ना, ये जो हमारा है ये पूरा का पूरा वार्म एरिया है, यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम जो रेड ऑरेंज येल्लो कलर का है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कूल कलर्स हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो पिंक है, ब्लू है, जैसे पर्पल है, तो ये एक अच्छा इफेक्ट भी देता है। तो यहाँ पे आ चुका मैं सेट, और यहाँ पे जो अभी आप वॉल देख रहे हो ना, ये वॉल एकदम एम्प्टी है, तो मैं सोचा मैंने कि मैंने अभी क्लीन की है बहुत, जो अपने मेरे जितने भी डेस्क हैं ना, मैंने सोचा कि इसको क्लीन कर लूँगा मैं, क्लीन करने के बाद कुछ आउटपुट ऐसा आया है, एकदम क्लीन है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ किया मैंने, यूज़ करके मैं रख देता था, तो यहाँ पे अभी क्लीन करने के बाद बहुत सारे मेरे जो आर्टवर्क है ना वो मुझे मिल गया वापस, और फिर मैंने प्लान किया कि ये जो जितने भी आर्टवर्क है ना इनको भी मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे वॉल पे, तो ये ऐसे बहुत सारे हैं जिसको मैंने YouTube पे अपलोड नहीं किए हैं, और जैसे ये सब है मैं सोच रहा था कि मैं कम से कम इसके थ्रू मैं, क्योंकि मुझे देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि YouTube पे रहते हैं तो लोगों के जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो आंसर देने के लिए मैं उस जाता हूँ मैं वहाँ पे उस वीडियो पे, और यहाँ पे एटलीस्ट मैं देख सकता हूँ सामने, और ये पूरा पैक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के लिए, तो आज शाम को तो हो चुकी है, वेट करते हैं सबके उठने का और फिर गेम्स का।